गाइज़ गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप आप लोग सब फिट एंड फाइन होंगे। सो गाइज़ अभी मुझे देख रहे होंगे आप लोग तैयार होके कि सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं, तो मैं आ रखी हूँ। ये है हमारी दुल्हन दीप्ति, कैसे धूप बना रखा है उसने दुख बिल्कुल अभी रो जाएगी। ऐसे उनको कह रहे हैं कि मेहंदी ख़राब नहीं लगनी चाहिए। हाँ अभी वाला दिन तो आज है शादी, नहीं कल है शादी दीप्ति की, तो आज है मेहंदी। हम सुबह सुबह यहाँ आए हैं मेहंदी पे, और ये रही दुल्हन की बहुत सुंदर ब्यूटीफुल सी मेहंदी, जो कि अभी एक हाथ में कोई और भैया लगा रहे हैं, एक हाथ में कोई और भैया लगा रहे हैं, तो अभी कंप्लीट होने वाली है। पैर की हो चुकी है, तो गाइस देखिए मैंने भी मेहंदी लगाई, पर मैंने हाथ में लगाया क्योंकि तन्वी के कपड़े चेंज करने हैं ना, तो मैंने खाली पीछे एक इसमें ऐसे और एक यहाँ ऐसे बनाई है, और हाथ तो इतने काले पीले से हो रखे हैं, पर मैंने कहा चलो ऐसे आई हूँ तो लगा लेती हूँ। सो गाइस अभी मैं आ रखी थी घर, एंड तन्वी को स्कूल से लेकर आई, और उसको अभी रेडी करके अब ले जा रही हूँ। तो अभी बज रहा है 1:30, तो यहाँ पैदल पैदल जाते हैं हम लोग, अभी तो गाड़ी से आई थी, पैदल पैदल जाते हैं। खाना नहीं खाया, वहाँ खाना रेडी है, तो अब खाना खाएँगे। गाइस जो वेडिंग है ना वो यहाँ पर है, प्रगति वेडिंग पॉइंट पर, तो अभी डेकोरेशन वगैरह कुछ नहीं हो रखा क्योंकि न्यू ईयर है ना आज का शाम का, तो अभी डेकोरेशन होगा और कल ज़्यादा होगा। तो अभी हम जाते हैं सीधे जहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो गाइस यहाँ देखिए मेहंदी कितना सुंदर डेकोरेशन हो रखा है, तो यहाँ पे अभी फोटो शूट चल रहा है। सो गाइस अभी हम लोगों ने खाना ना खा लिया है, एंड थोड़ा सा करा फोटो शूट वगैरह, और अभी ना 3 बजे से कीर्तन होंगे, तो मतलब नॉर्मल वाले कीर्तन होने वाले हैं, हम ही लोग गाएँगे हम जैसे सिंगर। और यहाँ पर ना पहाड़ी ढोल वाले भी आ रहे हैं भैया लोग, अभी हम इनसे बोल रहे हैं तो भैया थोड़ा सा ढोल बजा दो जरा, उधर पे नाचेंगे, आ जाओ ये बजाएंगे अब ढोल, और हम करेंगे डांस रॉक। और गाइस ये है दूल्हा दुल्हन, हाँ तो दूल्हा भी ना इसी बैंक्वेट हॉल में है, तो उन लोग का भी सेम साथ ही साथ हो रखा है सब कुछ। अभी जस्ट हम लोगों ने कीर्तन यतन खत्म किया है, सामान देखो मेरा, और देखिए डेकोरेशन वगैरह सब हो चुका है, क्या सुंदर डेकोरेशन हो रखा है। तो अभी बस तैयार होकर घर से आते हैं। सो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, एंड आनू एंड तन्वी वो देखो, तो और प्रिया लो और आनू की मम्मी हमारे साथ ही आ रहे हैं गाड़ी में। तो अभी बज रहे हैं रात के 8, तो अमित हो रहे हैं। सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं शादी में, और हो रहा है बहुत भयंकर वाला ठंडा, और अब करेंगे हम लोग डांस, चलो। और यहाँ हमारा डांस बंद क्योंकि बच चुके हैं 10। सो गाइस घर पहुंच चुके हैं, एंड इतना थक गए ना लिटरली आज सुबह से इधर से उधर, फिर अभी डांस वांस किया। वैसे तो डांस करने का टाइम कम होता है क्योंकि यहाँ 10 बजे डीजे बंद हो जाता है, तो हम लोगों ने करीब हम 8:15 बजे करीब पहुँचे थे, 8:15 से हमने 9:15 बजे तक डांस किया, फिर 9:30 बजे के बाद 9:30 बजे तक करीब हमने खाना खाया,
और उसके बाद 9:30 बजे के बाद फिर 10 बजे तक डांस किया, तो वही करीब 1-1.5 घंटा नाचे अभी। और पैरों में इतना दर्द हो गया ना बहुत दिनों बाद नाचे क्योंकि इतना सारा। तो अभी क्या है, नींद आ रही है, सोते हैं। मेकअप मैंने मिटाया नहीं है, पहले मैंने कहा पानी गर्म कर लेते क्योंकि वहाँ ना ठंडा पानी पी पी के ना मेरा एक तो वैसे ही गला दर्द हो रहा था तो दर्द हो गया। मैंने पानी गर्म किया है, थोड़ा पानी पीती हूँ, उसके बाद फेस को वॉश तो नहीं करूँगी, वाइप करूँगी और फिर सो जाऊँगी। सो गाइस अभी चलिए आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। गाइस ओ मेरे गाइस ब्लॉग एंड कर लो गाइस। नीचे बात बताऊंगा, क्लिक करना, तब तक तो बात को ना समझ आता है। ओके ठीक है पापा, चलो ठीक है सो जाओ। सो गाइस दोनों के दोनों नौटंकी कर रहे हैं सोने की एक्टिंग। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।